तुम किसी काम के नहीं हो। बार बार वीर को खत्म करने जाते हो और फेल हो जाते हो। He is useless, boss. ठीक है, तो तुम ही वीर को खत्म करके दिखा दो ना। वो तो बॉस ने आज तक मुझे भेजा नहीं, वरना वीर को खत्म करना तो मेरे बाएं पंजे का खेल है। सच? मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा? इस बार तुम जाओगी और वीर को अपने पंजे से ही खत्म करके आओगी। बॉस, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए बॉस। यस यस, मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हारे पंजों में इस बोतल का वायरस लगा दूंगा। जैसे ही तुम वीर के बदन में पंजे गड़ाओगी, ये वायरस वीर के बदन में जाके उसके अंदर की सब मशीनरी जैम कर देंगे। कैटमोना, ऑल द बेस्ट। मैं और मेरा बड़ा मुंह, क्यों मुंह खोला मैंने, क्यों मुंह खोला। कौन है? वीर, वीर, यहाँ बिल्ली है, कोई बिल्ली है। क्या हुआ चुलबुल, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? एक कैट ही तो थी, लगता है भाग गई। रात में तो उस गधे ने सब गड़बड़ कर दिया। अब जैसे ही वीर बाहर आएगा, मैं उसे पंजा मार के भाग जाऊंगी। कितनी प्यारी कैट है, मैं इसे घर ले जाके दूध पिलाऊंगा। इस लड़के से पीछा छुड़ाना होगा, ये तो मुझे कुछ काम नहीं करने देगा। नो नो नो, किटी किटी किटी, भागो मत भागो मत, बाहर बहुत खतरा है। दूध पी लो, फिर मैं तुम्हें ना फिश खिलाऊंगा, एकदम फ्रेश और कच्ची कच्ची अच्छी मछली। म्याऊ, कच्ची मछली? या नहीं खेला है। और कितनी मार खानी बाकी है। मैं गिल्ली लेकर आता हूँ। पहले इस गधे से पीछा छुड़ा लूं, फिर वीर को देखूंगी। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। इतना बड़ा ढोल। बॉस, मैं हार गई। बॉस, बॉस, पहले उस गधे ने परेशान किया, फिर उस बड़े से डॉकी ने बहुत भगाया। बॉस, वीर
वीर के तो पास भी नहीं जा सकी मैं। वीर को खत्म करना कितना मुश्किल है। ये क्या बॉस, हमने दूसरी कैट रख ली, वो भी मेरे जैसी। ऐसा मत करो बॉस, टिम्बक्टू तो कई बार फेल हुआ है और आपने उसे नहीं हटाया, मुझे क्यों हटा रहे हो? ये बिल्ली नहीं रोबोट है, जो काम तुम नहीं कर पाई अब ये करेगी। बस बहुत हो गया, मैं इसका डट के सामना करूंगा। हम दोनों इसका सामना करेंगे। अटैक! ये क्या सही रोबोट है? अब अच्छा लग रहा है। संभल के, इमली तुम सामने मत आना, दूर रहना। रोबो बॉय सूट ऑन। दुश्मन का शिकार करने के लिए प्रोग्राम किया गया और वो तुम्हारा शिकार ऐसे करेगी जैसे बिल्ली चूहे का करती है। बाय बाय वीर। जिंटू उठो, जिंटू। जिंटू। ये बिल्ली मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। ठीक है, मैं भी इसे चूहे बिल्ली का खेल दिखाता हूँ। कौन हूँ? अभी तुम्हारे सर पे एक थाप दूंगा ना तो सब याद आ जाएगा। मुझे मारोगे? ये लो। खबरदार, मुझे हाथ भी लगाया तो। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आज का दिन मार खाने के लिए ही है, लेकिन तुम उसे नहीं मार सकते। चुलबुल, वीर कहाँ है? वो कैट कहाँ है?
तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये रोबोट कैट ठीक नहीं है। बच्चों, तुम सबको भूख लगी होगी। देखो, मैंने तुम सबके लिए गाजर का हलवा बनाया है। वाह, गाजर का हलवा! थैंक यू दादाजी। दादाजी चाट नहीं बनाई, मुझे सिर्फ गाजर खानी है दादाजी। ठीक है ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए चाट और गाजर का बंदोबस्त करता हूँ। हेलो, क्या तुम गाजर का हलवा खाओगे? हाँ, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे जिंटू, जोर से धक्का मारो ना, क्या धीरे धीरे धक्का मार रहे हो? अभी लो। मिस्टर चड्डा, आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। थैंक यू वीर, तुम बड़ी अच्छी सवारी कर लेते हो। थैंक्स। हे राजा राणा राका, इधर देखो। परफेक्ट फिट। आज रात भर फुर्सतगंज में भूत बंदर की खबर फैलाकर सबको डरा देंगे। मैं किसी को मार कर छुप जाऊंगा और राजा दूसरी छत पे दिखेगा। फिर राजा छुप जाएगा और मैं तीसरी रूप में दिखूंगा। हमें भूत समझ के डर के मारे कोई बाहर नहीं निकलेगा। और कल रात से हमारी चोरियां शुरू। टुमारो नेवर कम्स राका, चोरियां भी आज से ही होंगी। किसी को शक भी नहीं होगा कि हम भूत नहीं इंसान हैं। परेशान कर रखा है और उसका फायदा उठा रहे हैं चोर लुटेरे। लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे और जगह जगह पर चोरियां हो रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। भूत तो होते ही नहीं, ना ही भूत बंदर होते हैं। ये जरूर किसी चोर का ही काम है जो सबको भूत बन के डराता है, ताकि लोग डर के मारे घर से बाहर ना निकले और वो खुद चोरी करता रहे। वीर, तुम ठीक कह रहे हो, ये किसी चोर का ही काम है, हमें उसे पकड़ना होगा। तो तुम हो भूत बंदर, मुझे पहले से ही शक था। हाँ?
होशियार, कोई मेरे पीछे पड़ा है। वो उड़ता भी है, पता नहीं क्या चीज है, देखने में तो लड़के जैसा ही है। होल टीम बैक टू बेस, सब लोग बेस में वापस आओ फौरन। रोबो बॉय, आप जानते हैं भूत बंदर से डर के लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। सुना है कल रात आपने उस भूत बंदर को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। जी हाँ, लेकिन वो बच के भाग गया। वो भूत नहीं, कोई चोरों का गैंग है जो भूत बन के लोगों को डरा रहे हैं। मैं उन्हें पकड़ लूंगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शहर छोड़ के ना जाए और मुझ पे भरोसा रखें। मैं फुर्सतगंज बैंक का मैनेजर हूँ, मैं आपके कहने पर रुक नहीं सकता। 2 दिन पहले ही 20 करोड़ का सोना मेरी तिजोरी में आया है। मैं उसे कल दूसरे शहर के ब्रांच में ले जाऊंगा। मैं रिस्क नहीं ले सकता, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स भूत के डर से नौकरी छोड़कर भाग गए हैं। भूतों से भला कौन लड़ सकता है। अरे सुनिए तो सर, मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं उनका पर्दा फाश करके रहूंगा। फुर्सतगंज में 20 करोड़ का सोना है जो कल चला जाएगा। कल किसने देखा है, टुमारो नेवर कम्स। उसे हम आज रात ही गायब कर देंगे और फिर किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। क्यों? मैंने आपके कहने पे टीवी में सबके सामने 20 करोड़ के सोने की बात कही है। भूत बंदर ने टीवी जरूर देखा होगा, कहीं वो चोरी करके ले गया तो। मैंने आपसे टीवी के सामने सोने की बात इसीलिए कहलवाई थी कि चोर देख ले। अब वो चोरी करने जरूर आएंगे और आज ही आएंगे, फिर मैं उन्हें पकड़ लूंगा। इस मैप के हिसाब से बैंक ऊपर ही होना चाहिए। लेट्स सी। टुमारो नेवर कम्स, बैंक मैनेजर साहब, टुमारो नेवर कम्स। क्या था? एक्स-रे विजन ऑन। एक्स-रे विजन ऑन। ओह नो! क्या हुआ? पूरी तिजोरी चोरी हो गई। मेरी नौकरी गई। शाकाल, रोबो बॉय आ रहा है, स्पीड बढ़ाओ। जेटपैक डैमेज हो गया, मैं तो उड़ ही नहीं सकता। Tomorrow never comes. Bye bye, Robo Boy. Bye bye. अपने आप को सरेंडर कर दो और मेरे साथ वापस चलो। लोगों को बताना है भूत बंदर कोई और नहीं, तुम लोग ही थे। Tomorrow never comes. आज ही तुम्हारा खेल खत्म कर देता हूँ। हा
बच्चे जैसे हो, लेकिन हो इतने शक्तिशाली। तुम हो कौन? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन। नाम है वीर, वीर द रबर बॉय।